वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए अनौपचारिक पत्र लिखने का तरीका बताऊंगी कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है। इसके साथ ही एक अनौपचारिक पत्र पूरा ही पढ़कर बताऊंगी कि ये पत्र आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे अपनी कॉपी में आसानी से लिख सको और आपको PDF की ज़रूरत ना पड़े। तो अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं? वो सभी पत्र जो कि अपने सगे संबंधियों, माँ बाप, भाई बहन, पिताजी, रिश्तेदारों, दोस्तों को लिखे जाते हैं, वो सभी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो सबसे पहले आपसे एग्ज़ाम में क्या कहा जाएगा कि अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए हर्ष यानी कि खुशी, कृतज्ञता यानी कि आभार प्रकट करते हुए बड़े भाई को पत्र लिखना है। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, एड्रेस लिखने के बाद दिनांक लिखोगे। अब एक बात और ध्यान रखोगे कि जितनी भी आपको लाइंस लिखनी है, फॉर्मेट लिखने का तरीका क्या है अनौपचारिक पत्र का और औपचारिक का भी, हर लाइन को एक ही सीक्वेंस के अंदर इस तरह से लिखना है, यानी कि इस जगह से ऐसे इस सीक्वेंस के अंदर लिखना है। कोई भी कहीं पर भी पैराग्राफ नहीं बनाना है। अगर पैराग्राफ बना दोगे तो वो गलत तरीका होगा लिखने का। याद रखोगे कि इसी सीक्वेंस में हर लाइन आनी चाहिए, यही आपका लिखने का फॉर्मेट है सही। तो एड्रेस लिखने के बाद लिखोगे, आदरणीय भाई साहब, सादर प्रणाम, मेरे जन्मदिन पर आपकी भेजी हुई HMT की घड़ी मुझे प्राप्त हुई। ये मुझे कितनी सुंदर और उपयोगी लगी, इसका किन शब्दों में मैं वर्णन करूं? कई वर्षों से इसका अभाव मुझे खटक रहा था, अभाव यानी कि कमी। कई बार स्कूल जाने में देर हो जाती थी। निसंदेह अब मैं अपने आप को नियमित बनाने का प्रयत्न करूँगा, यानी कि वक्त का पाबंद बनाने का कोशिश करूँगा। इसको पाकर मुझे असीम प्रसन्नता हुई, यानी कि बहुत खुशी हुई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य भाभी जी को प्रणाम, गुलशन को नमस्ते। मुझे गीता बहुत याद आती है, उसे मेरी ओर से प्यार कहना। आपका छोटा भाई रवि। आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारी ही ग्रामर मिल जाएगी 9, 10, 11, 12 की।